हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की ब्लॉगिंग कर रहे हैं दोपहर के बाद से, ठीक है। तो आज हम जाने वाले हैं, वीडियो बनाना है, किसी फिल्म से रिलेटिव है, पर जो भी है मज़ा आएगा देखना। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो लाल कलर का बटन है उसे भी प्रेस कर देना, और प्लस में जो बगल में बेल आइकन होता है ना उसे भी कर देना, ठीक है। और कौन सी वीडियो बनाने जा रहे हैं वो आपको वीडियो में बताएंगे, पर उससे पहले आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, बिल्कुल स्किप करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। ये वीडियो देखना और बहुत मज़ा आने वाला है। और हमारे साथ तो भाई साहब ये भी जा रहे हैं भाई, ठीक है, और दूसरे ये रहे, और पीछे तो आ ही रहे हैं भाई साहब, और उससे पीछे वो बोथड़ी वाला आ रहा है, ठीक है। दिख नहीं रहा होगा आपको, पर दिखेगा ये जो लोकेशन है ये अपने मुंड का रेलवे स्टेशन की है, जो भी जितनी भी है, ठीक है। हमने ये लोकेशन किस लिए चुनी है, यहाँ पर शांत एरिया है और यहाँ पे इतना शोर शराबा है नहीं, क्योंकि वीडियो में अगर पीछे से शोर शराबा हो तो वीडियो देखने का कोई मज़ा है नहीं, ठीक है। और इतनी धूप में हम आप लोगों के लिए निकल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यार, आपको मज़ा आए तभी जो भी है, ठीक है। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक है। तो लोकेशन तो बढ़िया मस्त आ रहा है, यहाँ पे सकीना जो है भाई, सकीना को लेके तुम चले गए, ठीक है। अभी बंदा आएगा एक, ठीक है, सन्नी देओल का आएगा और तुमको मारेगा, अच्छे से धुनाई करेगा तुम्हारी, एक एक मुक्के में तुम उछाल देगा, ठीक है। यहाँ पे शूटिंग की डिटेलें बता रही जा रही है, फिर डायलॉग बोलेगा कि 2.5 किलो का हाथ जिसे पड़ता है वो उठता नहीं, उठ जाता है। फिर जब बोल के मारेगा ना तब उठ जाओगे तुम, तब मर जाओगे पूरी तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद ये कट हो जाएगा, फिर हम आगे चलेंगे यहीं से, वही ख़त्म करेंगे, फिर हम यारी दोस्ती में मज़े लेते हुए चलेंगे। फिर ये बोला भाभी जी वहाँ, ठीक है, तो गाइस दूसरा शूट हो चुका है, वो इसके चैनल पे मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। बाकी तो अपना देखते रहना, वीडियो बहुत अच्छी आ रही है जैसे भी है। और ये भाई साहब हमारे थक चुके हैं बैठ के, ठीक है, एक ये रे, दूसरे ये रे, तीसरा इसके चैनल पे मिलेगा लोंडे के, तो इसके चैनल भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और ये तीसरा बंदा पानी लेने जा रहा है, देखो मिलता है तो पानी, वैसे तो ठीक है, इतनी गर्मी में देख रहे हो कितनी धूप पड़ रही है तेज की, इतनी धूप में इतनी मेहनत करना पड़ रहा है, समझ सकते हो, वो भी आप लोगों के लिए करना पड़ रहा है, ठीक है। तो वीडियो को बढ़िया से बढ़िया लाइक कर देना, कमेंट कर देना एक प्यार सा, ठीक है, और शेयर कर देना दबा के, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिसके पास करना हो जैसा भी है कर देना, ठीक है। और मिलते हैं आगे वीडियो में। तो गाइस अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, और ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं, ये देखो ये क्या पड़ी हुई है, बेंच टट्टी पड़ी हुई है, टट्टी में बिठा दिए। और ये भाई साहब अपनी शूटिंग पर लगे पड़े हैं समझाने के चक्कर में, और वीडियो जब बन जाएगी तो आपको देखने के लिए मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। लेकिन गाइस चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे बहुत मेहनत लग रही है, धूप में काम कर रहे हैं। और ये भी भाई साहब आ गए, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, पानी ला ला के लेके आ रहे हैं हम लोगों के लिए, पानी पिला रहे हैं, इतनी गर्मी में यार देख सकते हो किस जगह हम बैठे पड़े। हाँ तो गाइस ये पहला शूट हो चुका है, ठीक है, वो भी हमारे हरिओम भाई साहब ने किया है, ये अभी वीडियो चेक कर रहे हैं कैसी क्या वीडियो बनी हुई है। और ये भाई साहब तो एक नंबर हैं, पता नहीं क्या सोचने में लगे। और यहाँ से ट्रेन जा रही है, ठीक है, अभी नेक्स्ट सीन चलने की तैयारी हो रही है, जो भी है जैसे भी है देखना, वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक है। ये देखो वीडियो बनाते बनाते देख रहे हो, कांटा घुस गया मेरे हाथ में, कांटा घुस गया निकल। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, जाहिर सी बात है एक लाइक और कमेंट तो बनता है, ये देखो कुछ ज्यादा ही अंदर घुस गया है, ठीक है। और ये देखो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं यार, ये देखो मेरे खुद, ठीक है, इन भाई साहब की भी लग गई जो भी है। और शूटिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि पटरी है, और ट्रेन तो बहुत आ जा रही है और जा रही है जैसे भी है, ये देखो कांटा निकल नहीं रहा। और इस पे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइबर बढ़ा दो, ठीक है, और आने वाली वीडियो ऐसे ही आती रहेगी बढ़िया, ठीक है। और आप लोगों के लिए देख लो कितनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है गाइस। और देख सकते हो यार कांटा घुस रहा है, कभी चोट लग रही है, आप लोगों के लिए करना पड़ता है, क्या करें। ये देखो वीडियो शूटिंग हो रही थी, थक गए सारे के सारे, ठीक है। और ये तो हमारे भाई साहब चौकीदार, चौकीदार कभी पापा बन जाते हैं, कभी बच्चा बन जाते हैं, और बाकी पानी भरना, ठीक है, सभी ठग रखे हैं जो भी है,
वीडियो मस्त बननी है, मेहनत लग रही है थोड़ी बहुत, पर जो भी है देख लेना ठीक है। थोड़ी बहुत नहीं गाइस, बहुत मेहनत है इस वीडियो में, लाइक कमेंट सब करें। मेरे कांटा घुस गया, अभी डॉक्टर के पास कटवाने जाऊंगा। इन भाई साहब के तो कांटा घुस गया था, अभी भी देखो ये टूट के अंदर घुस रखा है ये। बाकी भाई मेहनत तो हो रही है, जो भी हो रही है आपका सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। तू है कैमरे सामने आ रहा बार बार ये। अरे यार यहाँ खड़ा हो ना तू। ओए क्या नाम तेरा, अमन? कैमरे के सामने मत आइयो, थोड़ा दूर पे कर, थोड़ा पीछे हो जा, मैं वहीं आ जाता। कैमरे में ही आ गया ये वीडियो में। दिख गया, दोबारा शूट करो यार। सकीना तुम इतनी काली कैसे हो गई? सकीना मैं तो तुम्हें गोरा छोड़ के गया था। सलीम लगता है पाकिस्तानी कुछ अलग ही खाते हैं, जिसकी वजह से ये काली हो गई। ये तो पहचान और गंदी भी हो गई। सकीना मैं तुमको यहाँ से लेके जाऊंगा, चलो मेरे साथ। जान से मार देगा। कैसे नहीं लेके जाने देगा मुझे? ये 2.5 किलो का हाथ है, जब किसी का पड़ता है ना तो वो उठ जाता है। मैं देखता हूँ मना किया था, तू इस काफिर के साथ क्या कर रही है? फिर मैं बोलूंगा काफिर किसको बोलता है? तुम्हारे सर के ऊपर त्रिपाल नहीं थी उस टाइम पे? मैंने त्रिपाल सकीना, मैंने तुम्हें मना करे इस काफिर के साथ नहीं आने के लिए, तुम कैसे गए इनके साथ? काफिर किसको बोलता है? तुम्हारे सर के ऊपर त्रिपाल नहीं थी? पाकिस्तानियों, हिंदुस्तान ने दो खम्भे दिए थे गाड़ने के लिए, तब से तुमने मकान बनाना तो सीखा है। और तू क्या समझता है मैं अपनी सकीना को घर वापस नहीं ले जाऊंगा? 2.5 किलो का हाथ जब पड़ता है ना तो सकीना वकीना सब बाहर आ जाती है और हिंदुस्तान के लिए रवाना हो जाते हैं। ऐसे कैसे लेके जाएगा तू मेरी बेटी सकीना को? तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? ये कदर टू है। डिशुम डिशुम करके चलेंगे हम, डिशुम डिशुम करते हैं हम। डिशुम डिशुम कर, मेरे बेटी क्या चिंदी पिंदी को पकड़ के लाया है? चिंदी बिंदी को क्या पकड़ के लाया है? पाकिस्तान में ऐसे उठा लेते हैं, पाकिस्तान के लौंडों को ऐसे उठा लेते हैं। और ये चेंज धर्म कर देते हैं, क्या समझिए? तो बच्चा है, हम तो हमारे देश के बारे में तुम्हें क्या पता? अशरफ अली ये यहाँ पे सरकारी नल हुआ करता था, भूल गया वो नल जब मैंने ऐसे उखाड़ा था, ऐसे फेंक दिया था है? अभी मैं सकीना को लेके जा रहा हूँ, अभी मैं सकीना को लेके जा रहा हूँ। रोक सके तो रोक ले, चल सकीना चल चल चल। तो गाइस कंप्लीट हो गया स्कूल, ठीक है। तो ये रे मेहनती लोग, ठीक है। ये तो हमारी जो भी थी वीडियो में देख लेना। और ये भाई साहब, और अभी हमारे कैमरामैन भाई साहब लंगोटी लंगोटिया यार, ठीक है। पर इनकी एक कमी महसूस हुई है इस वीडियो में, ये मैं बताऊंगा, ठीक है। तो गाइस गदर फ्री में दिखाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ तक की थी, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और बेल आइकन भी दबा देना, जो भी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।
इसी तरीके से आप सब लोग मुझे प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।